तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं Redmi K50 Ultra की, जो ये अभी चाइना में भी लॉन्च हुआ, जो ये इंडिया में लॉन्च हुआ, तो वो आएगा Poco F4 Pro के नाम से आएगा। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग, बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स के अंदर आपको कुछ टाइप ए टू टाइप सी डाटा केबल मिल जाती है, 120 वाट का सुपर फास्ट चार्जर मिल जाता है, और सिम टूल केस, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स केस मिल जाता है। ये सब आपको बॉक्स कंटेंट देखने को मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया है। तो हम बात करते हैं इसकी लुक और डिज़ाइन। जो डिज़ाइन है देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। कैमरा मॉड्यूल है, जो कैमरा बम्प है वो काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है। इतनी अच्छी डिज़ाइन इसके अंदर आपको दी गई है। तो हम इसकी बात करते हैं डिस्प्ले, जो इसकी आपको डिस्प्ले साइज मिलती है, वो मिलती है 6.67 इंच की डिस्प्ले मिलती है OLED, जो काफ़ी बढ़िया, मतलब 2K जो कि में तो 1 बिलियन 10 बिट आती है, इसमें 20 बिट डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, जो काफ़ी बढ़िया है। और 120 हर्ट्ज़ की टच सैम्पलिंग और 120 हर्ट्ज़ की तो टच रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज़ की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। HDR10 का सपोर्ट मिलता है, गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है। तो आपको इसके जो डिस्प्ले में चाहिए वो आपको सभी, इस पर आप जो भी कंटेंट वगैरह देखते हो काफ़ी बढ़िया दिखेगा, इतना अच्छा डिस्प्ले इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। तो हम इसकी बात करते हैं चिपसेट, जो आपको चिपसेट मिलती है वो आती है Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर आता है, जो पावर एफिशिएंट प्रोसेसर, 5G प्रोसेसर, 4th nanometer बेस्ट प्रोसेसर। आप इस पर कैसी कोई भी गेमिंग वगैरह करो, आपको कोई भी लैग ड्रॉप वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, इतना अच्छा प्रोसेसर। तो ये हम बात कर लेते हैं इसकी, जो ये आपको आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 12 वर्जन देखने को मिलता है, मतलब MIUI 13 पर आता है। तो हम बात करते हैं इसके कैमरा पार्ट, जो आपको कैमरा मिलता है प्राइमरी कैमरा मिलता है 108 megapixel प्लस 8 megapixel प्लस 2 megapixel। तो इसमें आपके काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। तो इसमें आपको तो फ्रंट में सेल्फी कैमरा मिलता है 20 megapixel का मिल जाता है। तो आप इसमें जो प्राइमरी कैमरा 4K 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो आराम से, जो फ्रंट वाले कैमरे हैं सेल्फी कैमरे, आप उस पर फुल HD में 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जो काफ़ी बढ़िया बात है। तो हम इसकी और बात कर लेते हैं, तो कनेक्टिविटी, तो इसमें तो Wi-Fi 6E मिल जाता है, Bluetooth 5.2 मिल जाता है, और इसके अंदर ही आपको जो NFC मिल जाती है, और ये डुअल 4G वोल्टेज, जो 5G था ये मतलब चाइना का ग्लोबल वर्जन, तो इसमें आपको 5G ब्रांड नहीं मिलता, जो इंडिया में आएगा तो अभी जो पॉपुलर ब्रांड है 5G वो सभी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो हम इसकी जो रैम टाइप वगैरह की बात करें, तो इसमें आपको काफ़ी कितने दो वेरियंट देखने को मिलता है, मतलब दो रैम 8GB और ये 12GB वाली रैम देखने को मिलती है। तो इसमें आपको रोम मिलती है 128, 256 और 512 GB वाला। तो इसमें आपको LPDDR5 रैम मिल जाती है और स्टोरेज टाइप मिलती है UFS 3.1 जो काफ़ी। तो इसमें हम बैटरी पार्ट की बात करें, बैटरी आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो काफ़ी बढ़िया है। तो इसमें आपको 120 वाट का सुपर फास्ट चार्जर, मतलब जो ये आपको कोई भी 0 to 100 करती हो तो आपको मतलब 18-20 मिनट में आराम से हो जाएगा। तो आप इस पर के बैटरी परफॉर्मेंस आपको मतलब एक दिन का आराम से दे देगी, इतनी अच्छी बैटरी आपको देखने को मिलती है। तो बस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, जरूर करें ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।